साथियों, इसी धरती की संतान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, नर हो न निराश करो, मन को न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। साथियों, ये देश काम से नाम की तरफ बढ़ने वालों की कद्र करता है, जो मेहनत करता है उसकी कद्र करता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है। लेकिन कांग्रेस वाले इससे उल्टा ही कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आज जरूरत है काम की, जब छाप है बस नाम की। और कांग्रेस का तो मंत्र है, साथ आओ मलाई खाओ। क्या है कांग्रेस का मंत्र? साथ आओ, साथ आओ, साथ आओ। मध्य प्रदेश से तो देख लिया ना, दोनों हाथ से लगे हैं। भाइयों और बहनों, इसी को आज कांग्रेस ने अपनी सियासत का आधार बना लिया है। अब ये लोग अपने ही झूठ के मकर जाल में ऐसे उलझ कर रह गए हैं कि बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। याद करिए, मध्य प्रदेश के किसानों से ये कहकर वोट लिया था कि 10 दिन में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देंगे। वो 10 दिन कब आएंगे ये बताने को कोई तैयार नहीं है। 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? हमने तो सुना है कि किसानों को नोटिस आने लगे हैं। ये लोग कहकर गए थे कि मध्य प्रदेश के युवाओं को भत्ता देंगे। भाइयों बहनों, जरा मैं पूछना चाहता हूं, जरा मध्य प्रदेश के नौजवान बताइए, भत्ता आना शुरू हो गया ना? सब बैंक में जमा हो गया ना? मालामाल हो गए ना? सुनो सुनो, उनकी बातें सुनो। अरे देशवासियों, ये मध्य प्रदेश का हाल देखो, अभी तो 4 महीने हुए, तबाह करके रख दिया। इन लोगों ने बिजली का बिल हाफ करने की बात कही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि बिजली की सप्लाई हाफ करके बिजली का बिल हाफ करने के तरीके पर चलेंगे। बिजली नहीं आती तो बिल कहां से आएगा भाई? बिजली आती है क्या? कल तो मैंने सुना वो दिग्गी राजा के कार्यक्रम में भी नहीं आई। भाइयों और बहनों, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, जो केंद्र की सरकार यहां के लाखों किसान परिवारों के खाते में सीधे पैसे जमा करना चाहती है उसमें भी देरी कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को सजा देना, इन लोगों पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है।